जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक के मौलाना आजाद रोड पर कुछ आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। इस हमले में 10 लोग घायल हो गए हैं जबकि एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल मौके पर पहुंची फोर्स ने हालात पर काबू पा लिया है। दिल्ली में बड़े प्रदूषण से निपटने के लिए आज से 15 नवंबर तक के लिए ऑड इवन योजना लागू हो गई है। योजना के तहत ऑड तारीख वाले दिन ऑड नंबर की गाड़ियां और इवन तारीख वाले दिन इवन नंबर की गाड़ियां चल पाएंगी। ये नियम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू होंगे। नियम तोड़ने पर ₹4,000 जुर्माना भरना पड़ेगा। ऑड इवन सिस्टम पेट्रोल डीजल समेत सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों पर भी लागू होगा, जबकि इलेक्ट्रिक कार को ऑड इवन से बाहर रखा गया है। ये नियम दिल्ली की सड़कों पर लागू होगा। साथ ही कार में जा रही अकेली महिला या स्कूल बच्चे के साथ जा रही महिलाओं को भी छूट दी गई है। वहीं रविवार 10 नवंबर को ऑड इवन नियम लागू नहीं होगा। प्रदूषण से बचने के लिए लागू किए गए ऑड इवन नियम के समर्थन में आज लोग पोस्टर लिए हुए नजर आए। इन पोस्टर्स में लोगों से ऑड इवन का पालन करके प्रदूषण दूर करने की अपील की गई है। वहीं ऑड इवन के विरोध में भी कई जगहों पर पोस्टर चिपके हुए देखे गए हैं और ऑड इवन को ड्रामा भी बताया गया है। ऑड इवन का नियम तोड़ने पर 4,000 तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं दिल्ली में आज कई जगहों पर लोगों को ऑड इवन नियमों को तोड़ते हुए भी पाया गया और पहला चालान इंडिया गेट के पास काटा गया। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने आईटीओ के पास एक शख्स का भी चालान काटा। शख्स का कहना है कि वो नोएडा में रहता है और कल रात किसी काम से दिल्ली आया था। नियम की जानकारी न होने की वजह से उसने नियम तोड़ा। दिल्ली में ऑड इवन नियमों के बीच आईजी की गाड़ी सड़कों पर नजर आई। आईजी की ऑड नंबर की गाड़ी को देखकर एक शख्स ने हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही सवाल उठाने लगे कि आईजी की ऑड नंबर की कार का कोई चालान क्यों नहीं काट रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ऑड इवन के समर्थन के लिए दिल्ली वासियों से अपील की है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लोगों को कार शेयर करने की सलाह दी और साथ ही ऑड इवन के फायदे भी गिनवाए हैं। वहीं ऑड इवन के चलते दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साइकिल चलाते हुए नजर आए। मनीष सिसोदिया साइकिल पर अपने दफ्तर पहुंचे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने दोस्तों के साथ कारपूल करके अपने साथी मंत्री जितेंद्र जैन गोपाल राय के साथ कारपूल करके ऑफिस पहुंचे। बढ़ते प्रदूषण के बीच नासा की तरफ से पराली जलाने की एक तस्वीर जारी की गई है। इस तस्वीर में लाल रंग के निशान के जरिए उन जगहों को दिखाया गया है जहां पराली सबसे ज्यादा जलाई जा रही है। इनमें ज्यादातर जगह पंजाब की है, साथ ही हरियाणा के भी कुछ हिस्से में पराली जलाई जा रही है। तस्वीर के मुताबिक कुल 2,900 जगहों पर पराली जलाई जा रही है। दिल्ली हरियाणा और यूपी में प्रदूषण आज भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। सुबह के वक्त दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 708 रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में AQI सबसे ज्यादा 924 रहा, जबकि दिल्ली के शाहदरा में ये आंकड़ा 897 और पटपड़गंज में 622 रिकॉर्ड किया गया है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके लोगों को गाजर खाने की सलाह दी है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि गाजर खाने से शरीर को विटामिन ए, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जिससे कि रतौंधी से लड़ने में मदद मिलती है। साथ ही कहा कि गाजर प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से भी लड़ने में मदद करता है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर चल रही कश्मकश के बीच आज देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं। यहां फडणवीस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब 35 मिनट तक चले इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने मिलकर महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट पर चर्चा की है और हाल ही में कोशिश भी कर रहे हैं लगातार कि साथ ही किसानों की जो भी समस्या है उसको लेकर भी दोनों के बीच चर्चा भी लगातार चल रही है। वहीं शिवसेना से मिल रहे संदेशों के बीच एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार आज कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार शिवसेना के साथ गठबंधन के लिए सोनिया से चर्चा करेंगे। इस चर्चा का मकसद महाराष्ट्र में एक विकल्प बनाना होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रियल एस्टेट
रेगुलेटरी अथॉरिटी के राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत की है। सीएम योगी ने दीप जलाकर इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य सचिव आर के तिवारी और सचिव आवास और शहरी विकास मंत्रालय से दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में सीएम योगी ने संबोधन किया। इस दौरान सीएम ने कहा है कि वायर्स के मन में विश्वास पैदा करने की दिशा में रेस ने काम किया है। साथ ही दावा किया है कि रेरा के गठन के बाद समस्याओं के निस्तारण के साथ रेरा आगे बढ़ रहा है। साथ ही सीएम ने उम्मीद जताई है कि होम वायर्स की समस्याओं को दूर करने के लिए सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे। इस प्रोग्राम के दौरान सीएम योगी ने किसी भी मुख्यमंत्री के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जाने के मिथक का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि उनके सरकार बनने के वक्त ये मिथक था और नोएडा किसी सीएम को नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे और होम बायर्स को एक डेलीगेशन मुलाकात की तो पता चला नोएडा जाने से कई काले राज बाहर आ जाते हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले यूपी में दंगों की वजह से कोई नहीं आना चाहता था, लेकिन उसकी सरकार बनाने के बाद प्रदेश का माहौल बदल गया है। साथ ही दावा किया है कि उनकी सरकार बनाने के बाद प्रदेश का माहौल बेहतर भी हुआ है। साथ ही उम्मीद जताई गई है कि यूपी में बनने वाली 10 स्मार्ट सिटी के साथ प्रदूषण का माहौल और भी बेहतर होगा। लखनऊ में आज पार्टी की मजबूत बनाने को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, संरक्षक मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव सहित कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। इस मीटिंग में संगठन को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी एडवाइजरी टीम की बैठक बुलाई है। प्रियंका गांधी ने ये टीम दिल्ली में अपने आवास पर बुलाई है। प्रियंका गांधी के साथ मीटिंग के दौरान पार्टी के कई नेता भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में यूपी में पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही प्रियंका अगली बैठक पार्टी के प्रभारियों के साथ कर सकती है। अयोध्या मामले पर फैसला आने से पहले प्रशासन अलर्ट पर है। अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने मामले पर सोशल मीडिया और पोस्टर को लेकर सर्कुलर जारी किया है। अयोध्या मामले से जुड़े मैसेज, सोशल मीडिया पर पोस्ट कमेंट करके भी रोक लगाई जा रही है। साथ ही पोस्टर लगाने पर भी मानहानि है। अयोध्या के डीएम ने बताया है कि 28 दिसंबर तक राजनीतिक, धार्मिक रैलियों और जुलूस पर रोक लगा दी गई है। साथ ही लाइसेंस के साथ भी हथियारों को लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है। यूपीपीसीएल में हुए पीएफ घोटाले की जांच का जिम्मा अब ईडब्ल्यूओ ने अपने जिम्मे में ले लिया है। ईडब्ल्यूओ ने शक्ति भवन पहुंचकर भविष्य निधि ट्रस्ट के कार्यालय का कमरा सील कर दिया। साथ ही गिरफ्त में लिए गए आरोपियों को हवालत भेज दिया। अब तक पवार कॉरपोरेशन के तत्कालीन निदेशक सिद्धांशु द्विवेदी और तत्कालीन सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता को हिरासत में लिया जा चुका है। यूपी में डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा दर्ज किया गया है। इस साल प्रदेश में अब तक कुल 5,724 डेंगू के मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 9 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की राजधानी में ज्यादातर अस्पतालों में डेंगू की समस्या से निपटने के जरूरी सुविधाओं की भी कमी नजर आई है। बहराइच के कर्तनिया बॉर्डर पर एक बार फिर तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत फैल गया। गांव वालों के मुताबिक यहां तेंदुआ 3 दिन पहले बख्शीपुरवा इलाके में भी नजर आया था। तेंदुआ दिखने के बाद गांव वालों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारी तेंदुओं को ढूंढ रही है। सिद्धार्थनगर जिले के पंजाब नेशनल बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। वहीं जानकारी के मुताबिक ये शॉर्ट सर्किट बैंक कर्मचारियों की लापरवाही से हुई है। हादसे के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है और एसपी विजय ढूल ने मौके पर पहुंचकर हालात का भी जायजा लिया। बहराइच जिले के रसिया थाना इलाके में 45 साल के एक शख्स की गला दबाकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच के मुताबिक आरोपियों ने पहले मृतक को शराब पिलाई, फिर हत्या कर दी। गांव वालों ने हत्या की शक अपने ही गांव के कुछ लोगों पर जताया है। वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
बैकुंठ बद्रीनाथ की ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने से बद्रीनाथ में ठंड बढ़ने लगी है। वहीं ठंड की वजह से बद्रीनाथ आने वाले तीर्थयात्री को थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कल शाम को ऊंची चोटियों में बर्फबारी से निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ गई है। वहीं लोगों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा भी ले लिया है। उत्तराखंड में होमवती नंदन बहुगुना गढ़वाल यूनिवर्सिटी में छात्र की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में कुछ कर्मचारियों की गुंडागर्दी करते हुए वीडियो सामने आया। वहीं बताया जा रहा है कि कुछ लोग लड़के के पिता के सामने ही यूनिवर्सिटी के कर्मचारी छात्र की दरवाजा बंद करके पिटाई की है। फरीदाबाद के जाजू गांव में दबंगों ने आतंक से पूरे इलाके के लोग उनसे परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि दबंग आए दिन अवैध हथियारों से लोगों के घर पर फायरिंग करता है। गांव वालों का आरोप है कि दबंगों ने सतपाल डागर नाम के शख्स से पहले मारपीट की और उसके बाद फायरिंग की। वहीं गांव के लोगों ने पुलिस में भी मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। पेट्रोल के दाम में सोमवार को लगातार चौथे दिन गिरावट दर्ज की गई, जबकि दो दिन के बाद डीजल की कीमत में भी कटौती की गई है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम में 9 पैसे जबकि कोलकाता में 8 पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई है। डीजल के दाम दिल्ली में 5 पैसे, कोलकाता और मुंबई में 3 पैसे जबकि चेन्नई में 2 पैसे प्रति लीटर कम हो गए हैं। रविवार की छुट्टी के बाद शेयर बाजार में तेजी बरकरार है। सोमवार को सेंसेक्स 250 अंकों की उछाल के साथ 40,407.27 पर खुला। वहीं निफ्टी 50 अंकों की बढ़त के साथ 11,997.60 पर खुला। वोडाफोन आइडिया और इंडोस्टार कैपिटल के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इससे पहले शुक्रवार को सेंसेक्स 40,165.03 और निफ्टी 11,899.50 पर बंद हुआ था।